एक तरफ जहां योगी सरकार लगातार अधिकारी को दिशा निर्देश देते हुए कह रही है कानून व्यवस्था को कायम रखा जाए जिससे कि जनता का विश्वास कानून पर बना रहे, लेकिन अगर बात की जाए रायबरेली की तो गुरबख्शगंज थाना प्रभारी प्रवीण गौतम ने इस समय अपने कारनामों से कई महीने से सुर्खियों में बने हुए हैं। जब से उन्होंने गुरबख्शगंज थाने की कमान संभाली है तब से उनके क्षेत्र में लगभग 2 दर्जन से अधिक चोरियां हो चुकी हैं जिसका अभी तक पुलिस खुलासा करने में नाकाम साबित हो रही। दरअसल बता दें कि पूरा मामला रायबरेली जनपद के गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत जमींदार के पुरवा का, जहां बीती रात अज्ञात चोरों ने घर के पीछे चढ़कर सुशील यादव के घर में जा घुसे, दरवाजे का ताला तोड़कर लगभग 1 लाख रुपए नगद 30 लाख रुपए के जेवरात चोरी कर रफूचक कर लिया। पीड़ित सुशील ने बताया कि पुलिस ने तहरीर बदलने का दबाव बना रहे। ग्रामीणों का कहना है कि लाइट बंद करके चोरों ने घावा बोला है और एक घर की कुंडी तोड़ी तो वहां से जैसे ही घर के लोग जागे तो चोर वहां से रफूचक कर हो गए। पुलिस ने कहा है, वहीं पुलिस का कहना है कि इतनी चोरी नहीं हुई है। वहीं पीड़ित का कहना है कि पिता विदेश में रहते हैं, 40 वर्ष नौकरी करते हो गए, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कहीं ना कहीं चोरी बहुत लंबी हुई है। उन्होंने कुछ कर लिया था, आपने इंटरसेप्ट कर लिया और इन्हें कहीं जाना हो।